नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। रतलाम जिले के सुराना गांव में मुस्लिमों की प्रताड़ना से आहत होकर हिंदुओं द्वारा गांव छोड़ने की चेतावनी के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा। गांव में लगी चौपाल में दोनों समाज के लोगों को बुलाकर उनसे चर्चा की और बारी बारी से उनकी बात सुनी। इसके बाद कलेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि माहौल बिगाड़ने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी, चाहे वह कोई सा भी धर्म का हो। इस जन चौपाल में अधिकतर शिकायत अतिक्रमण और छोटी मोटी घटनाओं को लेकर थी, जिसमें छोटे छोटे युवाओं द्वारा विवाद की बात सामने आई। गांव के पूर्व पटेल ओम प्रकाश जाट ने कहा कि गांव में मुस्लिम समाज के लोग अवैध खनन, सट्टा, जुआ सहित अन्य अवैध काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हिंदुओं की जांच कराकर रासुका लगाने व जिला बदर कराने की धमकी दे रही है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था कि वहां गांव में शांति नहीं चाहते हैं, जो भी दोषियों उन पर कार्यवाही की जाए। पिछले 2 साल में जब जब भी पुलिस को अवगत कराया तो कार्रवाई के नाम पर हिंदू वर्ग को ही निशाना बनाया गया। चौपाल पर हिंदू वर्ग के लोगों ने अलग अलग मामलों में अपनी पीड़ा से अवगत कराया। एसपी गौरव तिवारी ने भी सफाई देते हुए कहा कि साल भर में जितने भी मामले हुए हैं उसमें पुलिस ने तात्कालिक तौर पर FIR की है, जाँच में दोषियों पर ही कार्यवाही की गई है। पुलिस विभाग ग्राम सुराना में अस्थायी पुलिस चौकी भी लगाई जाएगी। इसके बाद कलेक्टर ने दोनों वर्गों की एक कमेटी बनाकर गांव में शांति स्थापित करने की दिशा में काम करने की बात कही। कलेक्टर ने 1 माह में सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। वहीं हिंदू संगठनों ने पदाधिकारियों के द्वारा 2 दिन में कार्यवाही की मांग रखी। संवाददाता कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। कई बार विरोध का एक तरीका होता है, ये तरीका एक हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति गांव छोड़कर नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। कुछ उद्वेलित लोग जरूर हैं, उनकी समस्या का समाधान कर जब उनको शांतिपूर्वक यहाँ रहने को मिलेगा तो क्यों गांव छोड़कर जाएंगे। जहाँ तक उसको मिटाने की बात है, ये इशू प्रशासन के दखल के लायक नहीं है। वो खुद ही जब वो संतुष्ट हो जाएंगे कि हमें इस गाँव में रहना, बाप दादों के ज़माने से रहते आ रहे हैं, उनको जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रशासन से और पुलिस से कई बार गुहार लगाई गई लेकिन निराकरण नहीं निकल पाया कि अब फिर मामला सामने आया है नए सिरे से। देखिए, इस गांव में जो समस्या है मोर और लेस सारे गांव में वो समस्या रहती है, ऐसी कोई ऐसी नहीं समस्या नहीं है जो दूसरे गांव में नहीं है। दिक्कत अविश्वास की है। गाँव में सरकारी ज़मीनों पर लोग अतिक्रमण करते हैं और कई बार आबादी भूमि पर करते हैं, उसको नियमानुसार हटाया जाता है। यहाँ समस्या अविश्वास की थी और वो ज़्यादा, उस अविश्वास को ख़त्म करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों में भरोसा जताने के लिए मैंने ये कहा कि 1 महीने के अवधि में सारे अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे, चाहे किसी समाज के। तालाब पर अतिक्रमण की बात आई है, वो हटाया जाएगा। रास्ते पर अतिक्रमण बात है, वो हटाया जाएगा। बहुत छोटे छोटे विवाद है, नाली का पानी किधर जाए, इसको लेकर भी प्रशासनिक अमला है वहाँ पहुँचे। गाँव में बेसिकली 2 समुदायों के बीच अविश्वास का माहौल है और छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं, मारपीट की या इस तरह की, इसके कारण दोनों समुदायों के बीच अविश्वास है। उनको बिठा के उनके एक समिति बनाई गई, समन्वय समिति। एक समस्या लोगों ने अतिक्रमण की बताई, अतिक्रमण निश्चित तौर पे हटाया जाएगा, जो भी शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण जिसने किया उसको हटाया जाएगा, लेकिन रिकॉर्ड देखने के पश्चात ये कार्रवाई होगी। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति का उस गांव में आपराधिक रिकॉर्ड है तो उस पर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी प्रक्रिया अनुसार। गांव में अस्थाई पुलिस चौकी बना दी गई है कि जब भी कोई समस्या हो लोग तत्काल बता सके। मैंने अपना व्यक्तिगत नंबर शेयर किया उनसे कि कोई समस्या हो सीधे मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माहौल ठीक हो जाएगा, किसी आदमी को वहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके पहले सुराना गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दी जाती थी, अब अचानक इस वजह की कोई मूल जड़ पता चली सकता है किस कारण? देखिए, प्रथम दृष्टया तो 2 व्यक्तियों के बीच के विवाद को, 2 समुदायों के बीच के विवाद का रंग दिया गया है। आज तक वहां किसी पलायन की कभी कोई घटना नहीं हुई, तो एक सामान्य मारपीट की घटना के आधार पर पलायन की बात हो ये स्वीकार्य नहीं है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जाएगी, और मारपीट और आम ऐसी घटनाएं होती हैं उन पर कार्रवाई होती है। इसके कारण किसी समुदाय को पलायन करना पड़े ये बात नहीं समझ में आती है और ये होगा भी नहीं। प्रशासन पलायन रोकने के लिए कोई विशेष कदम और उठा रहा है?
ये पलायन हुआ होगा ही नहीं, हुआ ऐसी कोई स्थिति आज की तारीख में है नहीं। उनके भीतर जो अविश्वास है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात है। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाराम जाट। बालाराम जी, मकान पे ये लिखा है आपने मकान बिका हुआ, क्या वजह रही, क्यों लिखा है? सर ये आए दिन मुस्लिम लोग यहाँ पे निकलते हैं, हमारा रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया, गाली गलौज करते हैं ये लोग, हमारे भाई बेटी बाहर नहीं निकल सकती है, ऐसा ऐसा बर्ताव करते हैं हमारे लिए, तो हम यहाँ से भेज के जा रहे हैं। उड़ कर गाँव में और भी लोगों ने लिखा है क्या? पूरे गाँव में जा रहा हूँ, तो 3 दिन के अंदर पूरा गाँव खाली कर देंगे हिंदू समाज सब। आपके पास तो अभी कलेक्टर एसपी वगैरह सब आए हैं, उनकी बातों से संतुष्ट हुए हैं? लेकिन हमें 3 दिन के अंदर अगर कुछ भी उन्होंने नहीं किया है तो हम 3 दिन बाद गांव खाली कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहीं पे भी जाएंगे सर। जी है ना, क्या क्या पहल करेंगे आप लोग? जिन लोगों ने बोला है कि यहाँ से गाँव में पलायन किया जाएगा, उन लोगों को रोकने के लिए कोई पहल आप करेंगे? उनको समझाएंगे, बिल्कुल करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ लोग ने गलती कर दी तो उसको सजा सब थोड़ी भुगतेंगे क्या? अच्छा ये जो ये इतना बड़ा विवाद क्यों हो गया? क्योंकि हमेशा से यहाँ शांति रही है गांव में, अरे सब मिलजुल के रहते थे, ये छोटे छोटे बच्चों ने कर लिया था। अब फिर किस तरह से पहल करेंगे आप लोग? अरे सब समझ करेंगे और क्या, मिलजुल करेंगे सब जने। अभी एक भी विवाद था इसका नाली का, ये प्रशासन ने बोला हम खुदवा के करवा देंगे, नाली डाल पानी डलवा देंगे। अच्छा एक चीज़ बताएं, अभी जो कलेक्टर और एसपी के सामने जो चर्चा हुई उससे आप लोग सब संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं जी। अच्छा ये जो विवाद जो हुआ है, ये विवाद की मूल वजह क्या रही है? अरे ये तो 10 रुपए की लड़ी थी रतलाम की, एक म्यूजिक वाले की, सुराना का म्यूजिक वाला था और बंडनगर का वो बस वाला था, उनका विवाद था, वो लाके यहाँ घुसेड़ दिया। क्या विवाद? बस के किराए का चक्कर का कुछ लफड़ा था इनके दोनों का, सवारी का, मैं बैठा हूँ या मैं बैठा हूँ दोनों गांव के हैं क्या वो? नहीं, वो एक बंडनगर का था और ये म्यूजिक वाले हमारे गांव के थे। जिस तरह की समस्याएं हैं इसमें देखा जाए तो तत्काल पुलिस एक्शन ले, पुलिस कॉग्निजेंस ले, इस तरह की शिकायतें भी नहीं है इनकी। इनका ये रहता है कि भाई हम जाते हैं तो घूर के देखता है या गाड़ी तेज गति से हमारे घर के सामने से निकालता है, तो ये ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं कि इसमें तत्काल पुलिस उठा के मामला पंजीबद्ध करे, गिरफ्तार करे। यही कारण है कि इसमें इनका जो अपेक्षाएं हैं पुलिस तत्काल खड़े नहीं उतर पाती है। लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा मैं कि इसमें पुलिस ने पिछले दिनों भी जब इस तरह का विवाद सामने आया था तो दोनों ही तरफ से जो भी न्यूसेंस करने वाले लोग थे, लगभग 10-12 लोग, दोनों ही समाज के लोगों को बाउंड्रीवर की कार्रवाई की गई थी। अब जो इनकी समस्या है कि साहब इसमें समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई है, उसमें आपको कलेक्टर साहब ने बता ही दिया है कि इसमें एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत जो भी इनके अतिक्रमण की चीज़ें हैं, नाली की बात को लेकर समस्या है, ये डायरेक्ट पुलिस एक्शन वाला नहीं है, लेकिन इसमें कलेक्टर साहब ने जैसा बताया है तो समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मेरी इनसे ये अपेक्षा है जो हम जो इसको लेकर ये आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, कल जब जन सुनवाई थी तब ये लोग आए थे, इसमें इनको ये बताया गया था कि भाई हम लोग किसी भी हालत में जो जिले की सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है वो किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे, उसमें जो भी न्यूसेंस करने वाला होगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, जो भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई कड़ी कार्रवाई होगी, उसमें सिर्फ रासुका और अन्य जो उनके अवैध धंधे हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही कहना था और यही मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई टारगेटेड नहीं है कि ये इनके ऊपर कार्रवाई होगी या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि जो शहर का या जिले का या गाँव का जो शांति का माहौल है वो खराब हो, जो भी कानून को हाथ मिलेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, यही मेरा कहना था। और मुख्यमंत्री ने आज सुबह आपसे बात करी है तो क्या निर्देश दिए हैं? क्या गृह मंत्री ने भी साइड किया कि मैं आपको भेज रहा हूँ? हाँ, उसमें जो मेरी चर्चा हुई है मुख्यमंत्री के जो निर्देश है कि इसमें ग्रामीणों से बात करके इनकी जो भी समस्या है उसको सॉल्व किया जाए, और यहाँ जो सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति है, मतलब सांप्रदायिक ताना बाना जो बिगड़ने ना पाए, लोग आपसी भाईचारे से रहें, उसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आदमी कलेक्टर साहब भी साथ में हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें हम लोग जो भी इनकी समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी में सॉल्व करेंगे। सर रासुका ग्रामीणों ने बताया है कि रासुका के नाम पर पुलिस के द्वारा धमकाया जाता है और बाउंड ओवर करना एक पूर्ण समस्या का निराकरण नहीं है। सर इसमें बताना चाहूँगा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति को बिगाड़ेगा, जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ेगा, क्रिएट करेगा, अपराध करेगा, उसके खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हम लोगों ने रतलाम जिले में भी किया, शहर में भी किया, आलोट में भी किया है कि जो लोग भी कम्युनल इंसिडेंट क्रिएट कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ IPC की धाराओं के अंतर्गत बल्कि रासुका, जिला बदर और उनके अवैध निर्माण, अवैध संपत्तियों को भी तोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों ने चर्चा में